अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ पफ पेस्ट्री बिस्किट या खारे बिस्किट, बिल्कुल बेकरी जैसे, बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार और बहुत ही इजी, जो मैंने होममेड डो से बना रही हूँ मैं अपनी, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर शेयर करूँगी। जिसके लिए मैंने लिया है, एक अंडा लिया है, चीनी ली है और डो है हमारे पास, होममेड डो है। अब इसका तरीका देखते हैं बनाने का। सबसे पहले आपने बोर्ड पे जो है मैदा डस्ट करना है और फिर अपनी डो पर भी आपने इसको अच्छी तरह डस्ट करना है और फिर ये अपनी डो को आपने रोलिंग पिन से बेलना है। इतना बेलना है कि ये इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए कि ये रोटी से मोटी होनी चाहिए, जो हम अपनी रोटी बेलते हैं उससे ही मोटा होना चाहिए। और आपने बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है इसको। इस तरह से आप इतने इसको चारों साइड से लेवल करना है और हर साइड से ये लेवल हो, ऐसा ना हो कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो रही हो। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी बिस्किट्स की, जितने मुझे चाहिए। मैं इसको थोड़े से बड़े रख रही हूँ। ट्रे में बटर पेपर लगाया है और फिर मैं इसको सेट कर रही हूँ। दो तीन बिस्किट्स जो है बो में बना रही हूँ, बो शेप की बना रही हूँ, जो बेकरी से जैसे मिलते हैं। या रिबन वाले बिस्किट जिसको कहा जाता है। और बाकी मैं बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ। फिर इसके बाद आप जो है एग वॉश करें, यानी कि जो एग है उसको आप अच्छी तरह से लगाएं, इससे बहुत अच्छा कलर आता है इसका। इस तरह से इसको एग वॉश करें अपने बिस्किट्स को। और ये चीनी हमारे पास, इसको स्प्रिंकल करें। मैं बो वाले जो हमारे पास ये रेनबो वाले हैं उस पर मैं नहीं कर रही हूँ, उसको मैं प्लेन रख रही हूँ। और अब इसको मैं बेक करने रखूँगी अपने बर्तन में, जिसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। ये बर्तन मैंने इस तरह से लिया है, इसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे, आयरन स्टैंड, अगर आपके पास पुराना है तो आप पुराना रखें। और इस भगोने को हमने पहले से प्री हीट कर रखा है 15 मिनट के लिए। ये देखें इस तरीके से ये रख दिया है मैंने। अब इसको हम जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम होगा, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे 40 मिनट्स के लिए। ट्वेंटी मिनट्स बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से लग रहे हैं। देखें थोड़ा इसको पफ आना शुरू हुआ है। ये देखिए हमारी पफ पेस्ट्री तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बेकरी जैसी, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी अच्छी पफ हुई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।